बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एमसीक्यूज के गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके एमसीक्यूज के गेस्ट पेपर देख लीजिएगा। इस वीडियो में चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के साथ ये गेस्ट पेपर डिस्कस करूँगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये बार बार बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे और ज़िंदगी में कामयाबियां हमेशा आपके कदम चूमती रहें, आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा। आइए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है हाउ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नो इंडिविजुअल न्यून एटम इन द सैम्पल ऑफ एलिमेंट हैज़ मैस ऑफ 28.18 AMU जस्टिफाई। तो इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है एटॉमिक मैसेज आर इन फ्रैक्शन जस्टिफाई हाउ लिमिटिंग रिएक्टिंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसके बाद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 60 ग्राम मीथेन हैव डिफरेंट मैस बट सेम वॉल्यूम, वाई। तो जितने भी आप लोगों के एक्सरसाइज में आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग काइंडली उनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। Why actual yield is always lesser than theoretical yield? यह क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। Law of conservation of mass has obeyed during the stoichiometry calculation. Explain. One mole of sulfuric acid should completely react with 2 moles of sodium hydroxide. How does Avogadro's number help us to explain it? इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैस ऑफ 5.136 सिल्वर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है What are molecular ions? How they are formed? Give their applications. How the efficiency of chemical reactions is determined? अगर आप MCQs के guest paper देखना चाहते हैं तो इसी video के first comment में मैंने link दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उनको देख लीजिएगा। इसके बाद chapter number 2 की बात करें तो कहा जा रहा है Why sodium chloride cannot be purified by crystallization? How crystals are dried? Desiccator is a safe and reliable method of drying the crystal. How colored impurities are removed from crystal during crystallization? इसके बाद अगला क्वेश्चन है give uses of chromatography, differentiate between adsorption and partition chromatography. नेक्स्ट कहा जा रहा है डिफाइन सब्लिमेशन विद एन एग्जाम्पल वाई कंसनट्रेटेड पोटाशियम पर मैग्नेट कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाई गूज क्रोसिबल। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन, वाई। इसको आप लोगों ने करना है। मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करें तो कहा जा रहा है गैसेस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर। एक्सप्लेन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर एस ए यूनिट। वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव एट 273 केल्विन, वाई। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। इस चैनल को आप लोगों ने लास्ट में सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो कहा जा रहा है डू यू थिंक डैट सम ऑफ द पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी आर फॉल्टी, पॉइंट आउट दीज पास्टुलेट। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ इन रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करें तो इसके अंदर कहा जा रहा है व्हाई इज देयर इज अ बिग डिफरेंस in physical state of halogens as we move from fluorine to iodine. Food is cooked quickly in pressure cooker. Why? Next कहा जा रहा है why one feels sense of cooling under the fan after bath. Boiling needs a constant supply of heat. Explain. Diamond is hard and electrical insulator. Explain. Why graphite is a conductor parallel to its layer, not perpendicular. नेक्स्ट कहा जा रहा है क्लीविज इटसेल्फ इज अन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। हाउ, व्हाई आयोनिक क्रिस्टल आर हाईली ब्रिटल। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं काइंडली उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। जितने भी आप लोगों को एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है।
और अगर आप MCQs में पूरे पूरे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैंने आप लोगों को वो लिंक पिन अप किया हुआ है, उसको आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोगों के MCQs के पूरे पूरे मार्क्स उसमें से आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करें तो इसके अंदर कहा जा रहा है व्हाई पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड किनार रेज, हाउ डू यू कम टू नो दैट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट क्लोजर टू द मॉलिक्यूल आर हायर देन दोज इन हायर ऑर्बिट, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़िमोन इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने बताना है, ये क्या है, स्टार्क इफेक्ट से क्या मुराद है, व्हाई द चार्ज मास रेशियो वैल्यू ऑफ कैथोड रे इज जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, स्टेट पाउल्स एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट कहा जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, जस्टिफाई दैट डिस्टेंस ग्राफ बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट्स गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करें जो कि चैप्टर नंबर 6 है, जिसके अंदर कहा जा रहा है बॉन्ड डिस्टेंस इज कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम जस्टिफाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट कहा जा रहा है नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयोनिक, इसके बारे में आपने बताना है व्हाई द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेसर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आयोनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल जस्टिफाई, ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट डिफाइन डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ विस्पर थ्योरी, इसको आप लोगों ने करना है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप सेकंड ए इज हायर देन द थर्ड ए, वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये आप लोगों ने करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है, पाई बॉन्ड्स आर मोर डिफ्यूज्ड देन सिग्मा बॉन्ड, एक्सप्लेन। डिफाइन डाइपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन डाइसल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड इज 1.61 dy, ये आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको आप लोगों ने करना है। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद एन एग्जांपल, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वॉल्यूम इज अ स्टैटिक फंक्शन जस्टिफाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन विद एन एग्जांपल, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इसको देख लेना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टेट बॉर्न हैबर साइकिल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लोगों के लिहाज से भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इस वीडियो को बड़ी ही मेहनत के साथ बनाया जा रहा है, आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 8 की बात कर लें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर, एक्सप्लेन हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिफाइन पीएच एंड पीओएच, व्हाट इज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसके बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है सोल्यूबिलिटी आर डिप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ कॉमन आइंस, स्टेट ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इसको आप लोगों ने स्टेट करना है। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर लेड क्लोराइड, ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है डिफाइन बफर कैपेसिटी, इसको आप लोगों ने डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाई प्रेशर फेवर इन रिएक्शन इन विच देर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द एसिडिक बफर्स, इसके बारे में बताना है और एग्जांपल लिखनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसके अंदर कहा जा रहा है वन मोल ऑफ सॉल्यूशन इज मोर डिल्यूट देन वन मोलर सॉल्यूशन जस्टिफाई, डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन, इसके बाद नेक्स्ट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज यूनिटी जस्टिफाई, व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, स्टेट राउल्ट्स लॉ, ये आप लोगों ने बताना है। सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड आर यूज्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जस्टिफाई। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोलैरिटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, व्हाई। नेक्स्ट आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन कैलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नेम एनी टू कैलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको देख लेना है। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 का बैकमैन्स थर्मोमीटर इज यूज्ड टू नोट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाई। इसके बाद नेक्स्ट अगर चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन वोल्टिक सेल, हाउ सोडियम मेटल इज प्रिपेयर्ड बाय डाउन सेल। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, सबसे पहले आप लोगों को CrL3
ट्राइक्लोरो क्रोमियम आपको लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को पोटाशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाउ इम्प्योर कॉपर कैन बी प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल नेचुरली एक्सप्लेन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन वोल्टिक सेल। ये दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल आर नॉट। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है हाउ सोडियम पोटाशियम कैन डिस्प्लेसिस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट प्लेटिनियम प्लेडियम और उसके बाद कॉपर कैन नॉट वाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेड एक्यूमुलेटर इज रिचार्जेबल जस्टिफाई राइट डाउन द रिएक्शन हैपनिंग इन फ्यूल सेल राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर अदर बैटरीज। चैप्टर नंबर 10 के बाद लास्ट हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं जिसमें कहा जा रहा है डिफाइन रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑन ever changing parameter justify। next कहा जा रहा है the radioactive decay is always first order reaction justify photochemical reactions are usually zero order reaction justify how half life of chemical reaction is related with initial concentration of reactants। next question में how order is determined by the method of large excess। next कहा जा रहा है how surface area affect the rate of chemical reaction give one example how rate is affected by light। next question में कहा जा रहा है differentiate between homogeneous and heterogeneous catalysis। इसके बाद next कहा जा रहा है a catalyst does not affect the equilibrium constant justify a catalyst is specific in nature justify define catalytic poisoning what is a negative catalyst give one example। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज ऑटो कैटलिस्ट गिव एग्जांपल। लास्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है गिव टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो ये मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस की। आप इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर बुक के 100% गेस्ट पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो कैटेगरी ए जिन क्वेश्चन के आगे ए लिखा होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी जो से हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हैं और सी कैटेगरी के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बट आई हाईली रिकमेंड यू कि आप लोगों ने ये तमाम के तमाम क्वेश्चन करने हैं जितने भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं जिसमें डिफाइन यील्ड गिव इट्स टाइप्स एक्सप्लेन व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंस एक्सप्लेन विद टू एग्जांपल्स ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफाइन स्टोकियोमेट्री गिव इट्स अजम्पशंस मेंशन टू लॉज व्हिच हेल्प अस टू परफॉर्म स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रोमीटर हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन परसेंटेज अबंडेंस एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट राइट डाउन फोर स्टेप टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्सप्लेन आइसोटॉप्स विद देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन डिफाइन वेपर प्रेशर हाउ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय अ मैनोमेट्रिक मेथड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि ये गेस्ट पेपर किसके लिए हैं, तो ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए हैं। डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल गिव इट्स टाइप गिव देयर यूज इन डेली लाइफ व्हाट आर मोलिक्यूल सॉलिड्स गिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन होल थ्योरी ऑफ गैसेस आल्सो गिव थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। व्हाट आर कोवेलेंट सॉलिड डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड डिस्कस द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग लंदन डिपर्शन फोर्सेज। नेक्स्ट डिफाइन वेपोराइजेशन गिव थ्री फैक्टर ऑन व्हिच वेपोराइजेशन डिपेंड अपॉन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है गिव डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल राइट डाउन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन मैग्नेटिक उसके बाद एजीम्यूथल एंड स्पिन क्वांटम नंबर ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बाय बोहर्स मॉडल ऑफ एटम राइट डाउन मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल What are X-rays? Discuss its origin. इसके बाद आपने इसकी explanation करनी है। Write down four properties of cathode rays. How charge mass ratio value of ratio was determined experimentally. ये बड़ा ही important है, इसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड एक्सप्लेन इट्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, गिव द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, डिफाइन डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स यूनिट, हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिस्कस द एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट कहा जा रहा है डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एग्जांपल, डिस्कस इट्स अ ट्रेंड ग्रुप एंड अ पीरियड, डिस्क्राइब sp2 हाइब्रिडाइजेशन टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन. नेक्स्ट sp3 को आप लोगों ने डिफाइन करना है. आप लोगों ने इसके अलावा डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड मीथेन ऑन इट्स बेसिस, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग इट, डिस्कस इट्स ट्रेंड, हाउ एंथैल्पी ऑफ फूड इज डिटरमाइंड बाय बॉम्ब कैलोरी मीटर. नेक्स्ट कहा जा रहा है एक्सप्लेन ग्लास कैलोरी मीटर इज यूज टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टेट एंड एक्सप्लेन विद टू एग्जाम्पल द हेसेज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट सबमिशन. नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रूव डैट, ये आप लोगों ने प्रूव करना है. डिफाइन द टर्म्स सिस्टम सराउंडिंग्स बाउंड्रीज स्टेट फंक्शन डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर आप पेडिंग स्कीम देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पेडिंग स्कीम और MCQs के गेस्ट पेपर उनका लिंक दे दूंगा, उनको आप लोग देख लीजिएगा. नेक्स्ट कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द बैकमैन मेथड टू डिटरमाइन द फ्रीजिंग पॉइंट एट डिप्रेशन, एक्सप्लेन द लैंड्सबर्गर मेथड टू कैलकुलेट द एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन द राउल्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन एंड वोलेटाइल. नेक्स्ट कहा जा रहा है हाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ स्टेट, डिस्कस फेनोल वाटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द टर्म अपर कंसोलेट टेम्परेचर. नेक्स्ट डिफाइन द टर्म मोलैरिटी, मोलैरिटी को डिफाइन करना है मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पार्ट्स पर मिलियन. डिफाइन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाउ जियोट्रोपिक मिक्सर इज प्योरीफाइड बाई दिस मेथड. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख लें, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE शॉर्ट फॉर्म है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिएगा, गिव टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाउ कैन यू प्रिपेयर सोडियम मेटल एंड कास्टिक सोडा बाय इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्सप्लेन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग लेड एक्यूमुलेटर. इसको आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लेना है जितने भी चैप्टर नंबर 10 के यहाँ पे बताए गए हैं. इसके बाद चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. गिव फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, डिफाइन एंजाइम्स कैटालिसिस, गिव फोर कैरेक्टरिस्टिक, हाउ डज रहीनियस इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नेम फाइव मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन टू मेथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ लाइट एंड सरफेस एरिया अफेक्टेड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्कस केमिकल मेथड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. MCQs और पेडिंग स्कीम की जो वीडियो है इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप लोग लाजमी कर लीजिएगा. और इसके साथ साथ आप मेरी वेबसाइट www.sadazamali का विजिट कीजिएगा ताकि आप लोगों को गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में मिले. तो इसमें पहला ये न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों ने देख लेना है. मैं ऐसा ऐसा इनको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं. ये सबसे ज़्यादा मर्तबा ये न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल हैं. MCQs के गेस्ट पेपर का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा. इसके बाद ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने करनी है, जितने न्यूमेरिकल यहाँ पे बता रहा हूँ ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. टोटल 13 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. इसमें से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेपर आएगा, जितने मैंने यहाँ तक गेस्ट पेपर डिस्कस किए इसमें से आप लोगों को ऑलमोस्ट 80-90% पेपर आएगा, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. यही सारे न्यूमेरिकल, यही सारे लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे. आप मज़ीद गेस्ट पेपर के लिए मेरी वेबसाइट www.sadazamali.com का विजिट कर सकते हैं. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना है. इस वीडियो के अंदर इतना ही, अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ हमेशा आपके कदम चूमती रहें. आमीन सुमा आमीन. तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स. अल्लाह हाफिज़.